जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम जी चिश्ती फेसबुक लाइव सेशन के साथ हम एक दफा फिर आपके साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ आज हमारे जो मेहमान हैं जो मौजूद हैं उनका मैं मुखसर सा तारुफ करवाता चलूँ कि आप हैं आमिर हयात भंडारा साहब। अपने आप को ये किसान कहते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, हयात फार्म्स के ओनर हैं, राइटर हैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मतलब मैगजीन्स में लिखते रहते हैं, रिसर्चर हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी रिसर्च जो है ये पेश कर चुके हैं, जिसमें अगर मैं नाम लूँ तो ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है, इंडिया है, यूएसए है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के सिलसिले में भी ये जाते रहते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में आप बहुत दफ़ा शरीक हो चुके हैं और अक्सर शरीक होते रहते हैं। आप पॉलिटिशियन भी हैं, सामाजिक कारकुन हैं और अगर मैं कहूँ तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप यूथ को मोबिलाइज करते हैं और उनको बहुत सारे जो हैं उनको इनकरेज करते रहते हैं। तो आमिर हयात भंडारा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में हमें टाइम दिया है। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो वैसे मेरा तारुफ आपको पता है सिर्फ किसान ही होता है, आपने बहुत लंबा तारुफ करवा दिया नहीं, मेरा, बहुत वो तो शुक्रिया आप आपका। अपना करवाते हैं ना, लेकिन आपके बारे में हम जानते हैं कुछ थोड़ा बहुत लेकिन मुझे थैंक यू लगता है कि भाई, कुछ चीजें रह भी गई होंगी इसमें इतना ही बहुत है। अच्छा आमिर साहब, आपसे ये पूछना था कि आप मतलब रूटीन में बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, मूव करते रहते हैं आप मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस में शिरकत करने के लिए और बहुत सारी ट्रेनिंग्स के सिलसिले में। तो COVID-19 की जो सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, मूवमेंट हमारी बहुत कम हो गई है, तो अब आपका वक्त कैसे गुजर रहा है यहाँ पे घर पे रह के, आप मतलब कैसे अपने आप को बिजी रख? देखिए नईम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़े अहम जो है वो मौजू के ऊपर एक आपने एक सेशन फेसबुक का मेरे साथ किया। और सबसे बड़ी मुझे खुशी इस चीज़ की हुई है कि आपकी वो मैं अक्सर पोस्ट वगैरह देखता रहता हूँ कि नौजवान उसमें बड़ा ज़्यादा उसका जो है वो नज़र आ रहा होता है, आपकी जो डिस्कशन है उसमें फोकस भी आपका नौजवानों के ऊपर रहा है। देखिए COVID-19 जो है वो उसने कोई एक शोबा मुतासर नहीं किया। हम जो हैं वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें तो ये पेंडेमिक ने ऐसी सिचुएशन में हमें लाके खड़ा कर दिया है कि कोई भी कहीं भी महफूज नहीं है, लेकिन हर कोई हर जगह पे बहुत ज़्यादा महफूज भी है। मैं पिछले दिनों सोच रहा था और मैंने फिर वो ट्वीट भी किया कि ये कोरोना वायरस कमज़ोर इतना है कि एक बच्चा भी हाथ धो के मार सकता है, और ये जी ताकतवर बिल्कुल, इतना है कि दुनिया का ताकतवर तीन शख्स भी इससे डर रहा है कि ये इनविजिबल जो ना नजर आने वाला दुश्मन है कहीं मुझे भी इफेक्ट ना कर दे। अब मेरा मामला जो है वो आम, क्योंकि मैं किसान हूँ और मेरी काश्तकारी भी, और आपको पता है कि हमारी गंदम का कटाई का सीजन अभी टॉप पे है, पीक सीजन पे है, तो मेरी मूवमेंट ना चाहने के बावजूद भी हो रही है। तो टाइम मेरा थोड़ा सा मुश्किल में गुजर जरूर रहा है, लेकिन मैं एहतियात जरूर कर रहा हूँ। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ मास्क का इस्तेमाल करता हूँ, सैनिटाइज़र मेरे पास होता है, गाड़ी में साबुन भी होता है कि मैं जहाँ भी रुकता हूँ मैं हाथ वगैरह धोता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक सियासतदान को, वो आपने मेरा तारुफ तो करवाया, बड़ा मुश्किल होता है कि जब कोई बंदा सलाम देने लगे और आप आगे से हमारे खासकर हमारे कल्चर में बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं बड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर भी रहा हूँ और फॉलो करवा भी रहा हूँ। तो इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी हम ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एहतियात के बगैर जो है वो हम हमें तो शायद नौजवानों को इतना मसला नहीं होगा, लेकिन आपके जो एडल्ट्स हैं, जो आपके बुजुर्ग और बच्चे हैं, वो ज़्यादा इसके खतरे का शिकार हो सकते हैं। तो टाइम गुजर रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि एहतियात से गुजार लूँ। जी बिल्कुल, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि वैसे ये भी खबरें आ रही हैं कि जो यंग लोग हैं वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनको खतरा नहीं है। हम सब लोग एक बिल्कुल दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर एक आदमी एहतियात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बाकियों को भी नुकसान पहुंच सकता है जो लोग एहतियात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है बिल्कुल कि नहीं आप घर साहब, में रह के देखें एहतियात कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन है ना, आप आज जो हम पहले जो बात करते थे कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है, ये अब आप पहले इंटरनेट के बारे में बात करते थे, बट अब ये प्रैक्टिकली ये एक ग्लोबल विलेज के तौर पे एक साबित हो गई है बात कि आप पाकिस्तान या कोई भी मुल्क या कोई भी जजीरा दुनिया से डिटैच नहीं हो सकता, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। सेम इज द सिचुएशन विद हमारी फैमिलीज। हम पाकपतन, आप छोटा सा शहर है, आप मिसाल ले लें
कि हम एक दूसरे के साथ कितना इंटरकनेक्टेड हैं, हम हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो हर दूसरे तीसरे बंदे को जानता होता है। तो ये सबसे जी जी ज्यादा इसमें हम एहतियात करके जो है वो अपने ऊपर भी एहसान कर सकते हैं और माशरे के ऊपर भी एहसान कर सकते हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। भंडारा साहब, आपसे एग्रीकल्चर के हवाले से, क्योंकि आपकी माशाल्लाह एक्सपर्टीज हैं इसमें, बहुत सारा आपने काम भी किया हुआ है, तो आपसे पूछना ये है कि COVID-19 की जो सूरत हाल चल रही है, इसमें किसान की मुश्किलात क्या वही पुरानी है जो पहले की थी, या अब COVID-19 में हेलो हेलो नईम साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी, वो शायद कॉल आ रही थी बीच में। आपने मेरा अच्छा, क्वेश्चन सुना है सर, या मैं रिपीट कर देता आपका हूँ? क्वेश्चन आधा आप रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। जी, वही है कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि COVID-19 की जो सूरत हाल चल रही है, तो हमारे किसान को क्या कोई नई मुश्किलात का भी सामना हुआ है, या वही पुरानी मुश्किलात हैं जो वो पहले थी? अच्छा, इसमें जो COVID-19 का जो कोरोना वायरस जो है, इसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है अब ज़रात के हवाले से भी। आपकी जो ज़रात है वो बेसिकली आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम, और मैं बार बार ये कह भी चुका हूँ कि हम सब चीज़ों के बगैर गुजारा कर सकते हैं, पानी हवा और खुराक के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। बिल्कुल आपकी जो ज़रात है ये सबसे ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर होता है जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। अब फार्मर जो है वो हमारा, पाकिस्तान की ज़रात का, अगर आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे जो ज़रात है ये कोई 80% जो हमारे फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हैं, छोटा किसान, जो 5 हेक्टेयर से कम है, 12 साढ़े 12 एकड़ से कम रकबे का मालिक है। फिर उसके बाद सिचुएशन ये है कि आपकी सारी इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कुछ तकरीबन 45-46% लोगों को लेबर फोर्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में एंगेज कर रहा होता राइट है। फिर दूसरी चीज़, ये जो COVID-19 की तरफ मैं आता हूँ, जो आपका बुनियादी सवाल था कि इसने फार्मर्स को इम्पेक्ट किस तरह किया है। अब सिंध में सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है पिछले चंद हफ्तों में, जो टमाटर की फसल है वो आपको भी पता है कि टमाटर जो है वो बाज़ औक़ात बड़ा, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा रेट रहा और फिर जो है वो रेट बहुत नीचे आ गया। हमारे कुछ दोस्त काश्तकारों ने तो, फार्मर्स ने अपने हल चला के टमाटर की जो फसल है वो ज़मीन के अंदर ही जाया कर, उसको हल चला दिए क्योंकि उनको उसकी बचत नहीं आ रही। अब उसके रीजंस क्या हैं? रीजन ये हैं कि COVID-19 की वजह से लॉकडाउन हुए, लॉकडाउन से आपकी जितनी भी सामाजिक और सियासी और जो पब्लिक की सरगर्मियाँ थी वो सारी डिस्टर्ब हो गई। जो शादियां होनी थी, जो शादी हॉल्स थे, जो आपके रेस्टोरेंट्स थे, वो सारे एक दफा बंद हो गए, तो जो डिमांड थी प्रोडक्ट की वो यकदम नीचे आ गई। अब उसे फिर एक, ये सिर्फ सब्जियात का शोभा ही मुतासर नहीं हुआ, आपका जो आने वाला आम और जो फ्रूट्स हैं जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनका भी शोभा मुतासर होने जा रहा है। आपका जो लाइव स्टॉक है डेयरी का सेक्शन, और ये बड़ी यहाँ पे बड़ी ये समझने की बात है और इम्पोर्टेंट सिचुएशन ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का जीडीपी है जो 20-22% है, उसमें से 50% से ज़्यादा हमारे लाइफ स्टॉक का हिस्सा। तो आप कराची की सिचुएशन देख लें, आप इवन के पाकपड़न की भी सिचुएशन देख लेंगे कि यहाँ पे भी दूध की कीमतें नस्बतन कम हो गई। अब इसका जो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब भी मार्केट में चीज़ें डाउन होती हैं, वो फार्मर्स के ऊपर जाके पड़ता है। फिर हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया यह है कि हमारे पास कोल्ड वैल्यू चेन पूरी नहीं है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज उस हिसाब में मौजूद नहीं है जितना होने चाहिए। एक एक मोहतात अंदाज़ा है, आई एम नॉट श्योर, मैंने कहीं पढ़ा था कि $1 बिलियन की हमारी जो प्रोड्यूस है वो ज़ाया हो जाती है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर कोल्ड सप्लाई चेन। $1 अरब बहुत बड़ी रकम होती है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के अंदर भी इसको आप ऐड कर सकते हैं। अब ये तो होगी पायरेसेबल प्रोडक्ट्स की बात। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका गंदम के ऊपर भी बता जी देता हूँ जी कि सुन हमारी जो अभी फसलें हैं वो गंदम और मकई की जो फसल है वो, गंदम तो हमारी हार्वेस्ट हो रही है, सिंध में काफ़ी हद तक हो गई होगी, पंजाब में अभी हो रही है,
तो अभी गंदम के मामले में COVID-19 का जो जो पैरामीटर्स हैं, जिस तरह मैं आपको आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी अर्ज कर रहा हूँ कि हमें हम एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग की बड़ी ज़रूरत है हमें। कम जी अज़ जी कम 6 फीट का जो है वो फासला होना चाहिए, या मिनिमम से मिनिमम भी 3 फीट का फासला होना चाहिए। फिर आपके मुंह के ऊपर मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर्स वगैरह और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं आपके, वो पूरे होने चाहिए। लेकिन हम जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, आपका भी बैकग्राउंड देहाती है और पाटन भी जी बेसिकली एक छोटा शहर है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनके रूट्स देहात में ही हैं। तो हमारी जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि 74% के करीब जो हमारी वर्क फोर्स है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बगैर है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट के बगैर जो लैंडलेस लोग हैं या जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जिनकी बातें सियासतदान भी बहुत आजकल मजे से फरमा रहे होते हैं, उनकी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देहातों में हाथ से कटाई करके ही वो अपने साल के गंदम के दाने इकट्ठे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो एक कौमी सतह के ऊपर एक बड़ी एक सजेशन भी आई और कुछ लोगों ने लिखा भी कि फोर्सफुली, क्योंकि एक पैंडमिक का ज्यादा खतरा है, तो फोर्सफुली जो है वो कंबाइंड हार्वेस्टर्स की तरफ से इसको काटा जाए। तो मैंने हाँ सबसे पहले इस तजवीज़ की मुखालफत की थी, क्योंकि इसके हमारे दो नुकसान होते हैं। अगर तो हम सिर्फ हार्वेस्टर से, बल्कि तीन होते, अगर सिर्फ हार्वेस्टर से हम कटवाते तो सबसे पहला लॉस उन लेबर फोर्स का होता जो अपने सारे साल के गंदम के दाने हम फार्मर से इकट्ठा करते हैं, कटाई करके पैसे लेने के बजाय वो अपने दाने लेते हैं, ताकि एटलीस्ट वो अपनी फूड सिक्योर कर लें। अगर पैसा मिले ना मिले, बिजली हो ना हो, कम से कम वो आटा पीस के रोटी पका के खा सके, क्योंकि हमारी स्टेपल फूड है बिल्कुल आ, 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 ये जो गंदम है। दूसरा हमें नुकसान ये होता कि हमारे लाइफ स्टॉक का जो चारा है, इसको वीट स्टॉक जो आपका तूड़ी जिसको हम कहते हैं या भूसा कहते हैं गंदम का, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है लाइफ स्टॉक के लिए। तो दूसरा, अगर वो हम कंबाइन हार्वेस्टर की तरफ जाते तो शायद हम उस लेवल के ऊपर वो भूसा और वो चारा फ्राहम ना कर सकते, जिससे हमारा जो लाइफ स्टॉक का शोबा है वो बहुत बुरी तरह चैलेंज हो जाता। जी तीसरा जी इसमें इशू ये आता कि जो जो रेजिड्यू होता है, आप भी जानते हैं कि जो इसका राइस और इसमें जो गंदम का कंबाइन हार्वेस्टर के बाद रेजिड्यू होता है, वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए तैयार करने के लिए जमीन उसको जलाना पड़ता है। अब जब आप उस रेजिड्यू को इतनी हजारों एकड़ की तादाद में जलाते, तो उसका इम्पैक्ट आप स्मॉग के, और हमारा यूनो के पांचवा एक सीजन बन चुका है अब तो स्मॉग, उसके हमारी जो एयर क्वालिटी है वो ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रेशर के अंदर है, और वो थैंक्स टू द पेंडेमिक मैं ये कहूंगा कि हमारी एयर क्वालिटी कम अज कम बेटर हो गई है, कि हम टिक के घरों में बैठ गए बिल्कुल हैं, हमारा एयर ट्रेवल बंद हो गया है, हमारे रोड ट्रेवल्स बंद हो गए। तो एग्रीकल्चर को और छोटे किसान को पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस का सामना करना पड़ रहा है इस COVID-19 के अंदर। जी। भंडारा साहब, आपने जो बात की हार्वेस्टर से, मतलब उसकी कल्टीवेशन की, मतलब हार्वेस्टिंग की, तो आपने बिल्कुल बात सही कही कि अगर मैं अपने गांव को देखूं तो वहां आधे से ज्यादा जो गांव है वो वही मतलब लोग हैं जो मतलब गंदम काटते हैं और अपने लिए गंदम जो है पूरे साल की इकट्ठी करते हैं। और दूसरा ये है कि वो जहाँ भी काम करते थे लाहौर में या बड़े शहरों में, उनके वो काम भी ऑलमोस्ट इस सूरत हाल में, वबा की सूरत हाल में वो काम भी उनके पास नहीं है। तो अगर ये हम हार्वेस्टर्स पे आते हैं तो यकीनन आपने बड़े एक अहम इशू की तरफ इशारा किया है जो कि मुमकिन नहीं है देहातों में खासतौर पर। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये बिल्कुल भी ये दोनों मैंने आपको तीनों सूरत बता दी कि अगर हम जी सिर्फ जी कंबाइंड हार्वेस्टर की, जिस तरह से कौमी सतह पर ये तजवीज भी दी गई थी और आर्टिकल्स भी इस पे बड़े बड़े अखबारात में छपे थे कि फोर्सफुली ये कर देना चाहिए, तो मैंने और जी जी कुछ जो और हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने अपनी जो है वो तहरीरों के जरिए भी और कुछ और जराये से भी इसकी बहुत सख्ती से आपने आवाज मुखालफत भी उठाई। की कि ये पॉसिबल नहीं है। बल्कि बिजनेस रिकॉर्डर में जो मेरा इंटरव्यू था उसमें ये बड़ी बात वाज़े तौर पे वो उन्होंने छापी जी अखबार जी में कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जी, बहुत अच्छा कि आपने ये आवाज उठाई है। और आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे अभी, मतलब जिस तरह आपने एयर क्वालिटी और पोल्यूशन जो है वो कम हुई है क्योंकि लोग जो है उनकी मूवमेंट कम हो गई है, घरों पे बैठे हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती तब्दीलियां जो पूरी दुनिया में हो रही हैं इस वक्त भी और पहले भी जो हो रही थी, उनसे किसान कितना मुतासर हुआ है और कैसे मुतासर होता है किसान जो है क्लाइमेट चेंज से? अच्छा, मौसमियाती तब्दीली जो है, इसको मौसमियाती तगैयर का समय हम अगर उर्दू में तर्जमा करें तो उसका मौसमियाती तगैयर बनता है। तगैयुर। जी जी
तगैयर, अब इसमें मौसमियाती तगैयर जो है, इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका फार्मर अवेयर कितना है इस फेनोमेनन से। अब अगर मैं ये बात करूं कि फार्मर हमारा इस चीज से अवेयर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। वो इस टर्म से तो अनअवेयर हो सकता है क्लाइमेट चेंज की जो, या मौसमियाती तगैयर की, लेकिन जो मुझसे सीनियर हैं, जो आपके आपके गांव में जो लोग बैठे हुए हैं, वो इस तगैयर को बहुत बेहतर तौर पर समझ रहे हैं और अपने हिसाब में इसको अडेप्ट भी कर रहे हैं। किसी तरीके से वो अपनी फसल के जो, अब जिस तरह मैं आपको एक बड़ी बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है हमारे ऑडियंस के लिए वो टेक्निकल चीजें कुछ ज्यादा आसान ना हो। मैं जी आपको जी छोटी सी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप अगर आज से 5 या 6 या 7 साल पहले की सोचें, तो अप्रैल के मौसम में, मार्च के मौसम में बारिशें नहीं आती थी। ये बारिशें हमारी विंटर रेन्स थी, जो कि फरवरी से पहले पहले हो के फर्क हो जाया करती थी। अब आप देखें कि अब दो सिचुएशंस आपके सामने खड़ी हैं। एक तो COVID-19 की सिचुएशन खड़ी है, ऊपर से आपकी प्री मॉनसून, इसको मैं कहता हूँ क्योंकि ये मॉनसून से पहले एक स्पेल आ जाता है जिससे हमारी सर्दियां भी प्रोलॉन्ग हो गई हैं, और हमारी बारिश एन उस वक्त आती है जब अल्लाह आपका भला करे, जब हम हार्वेस्टिंग की टॉप स्टेज पे बैठे होते हैं। जी अब बिल्कुल उसमें फार्मर को बहुत बुरी तरह लॉस हो जाता है, फार्मर को बुरी तरह लॉस हो जाता है ग्रेन्स की मात्रा में, फार्मर्स को बुरी तरह लॉस हो जाता है उसकी जो होती है ये अपनी जो अगली फसल है वो लेट हो जाती है उसकी, और कुछ एरियाज में हेल स्टॉर्म भी आ गए। तो ये इस तरह की जो, और फिर आपकी, आप देखें कि जो आपके वेदर पैटर्न्स हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो गए। ये भी बेसिकली एक वेदर का पैटर्न ही था जो चेंज हो गया। फिर जी जी आपका जो जो गर्मियां हैं वो आगे की तरफ थोड़ी थोड़ी आपने देखी होंगी शिफ्ट हो गई है। अप्रैल के अंदर जब बारिश हो जाती है, लास्ट ईयर आप देख लें तो हम मई के अंदर जो है, मई के महीने में कंबल ओढ़ के सो रहे थे, जबकि अगर आप यही बात 5 6 साल पहले चले जाएं तो गर्मी उस वक्त शुरू हो चुकी थी। अब उन चीज इन इन तमाम जो है वो वेदर पैटर्न्स की वजह से कि कई बीमारियों ने भी जन्म लिया। अब जो वीट की रस्ट आती है, मैंने एक अखबार की रिपोर्ट पढ़ी कि हमारी जो यूजेज है, यूटिलिटी है गंदम की, वो 27 मिलियन टन है, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब वी इस सिर्फ एक रस्ट की वजह से कोई 1 से 1.5 मिलियन टन का लॉस एक्सपर्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल में, ठीक है। अब ऊपर से ये रेन्स आ गई जो एरेटिक रेन्स थी, जिसका कोई अंदाजा नहीं था, और उसकी वजह से जो है वो अब मजीद उससे कितना लॉस होता है, दैट विल श्योरली चैलेंज योर नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये जो आपकी खुराक का तहफुज है, जो खुराक की हर घर को जरूरत है, वो शायद हम पूरी उस तरह से ना कर पाए जिस तरह से हम पिछले पहले चंद सालों में करते आ रहे थे। आपका मौसम जो है जी वो थोड़ा सा टेम्परेचर राइज कर गया है, आपकी जी जो टेम्परेचर राइज करने की वजह से जब आपकी ग्लेशियर मेल्ट करते हैं और जब आपकी बारिश ज्यादा होती है, तो तुगयानी आती है दरियाओं के अंदर। और मुझे अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर बारिशें इस दफा जिस तरह बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्या हमारे पास पाकिस्तान में उस लेवल का सिस्टम मौजूद है कि हम उस एक्स्ट्रा अबंडेंट पानी को यूटिलाइज कर सकेंगे, ताकि आपकी भी, जब आपका गांव मुझे पता है दरिया के किनारे है, अगर वहां सैलाब की या तो यानी की सिचुएशन आती है, तो हाउ यू विल बी टैकलिंग दैट इशू। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम फॉर नॉट ओनली द पीपल, मतलब आपके लोगों के लिए, सॉरी माजद के साथ मैं जरा अंग्रेजी में चला गया, तो आप लोगों के लिए भी, और जो जो हमारी जो स्टेट मशीनरी है, इवन जो आपका फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, स्टेट का डीसी एसी और आपका जो अमला है, उनके लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये जी जी क्लाइमेट चेंज के बिल्कुल हवाले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है। जी जी आपने जो बातें की हैं इससे तो हम हमारे देखने वालों को भी लग रहा होगा कि हमारा जो किसान है वो बहुत वनरेबल है ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि उसकी बहुत जो बना फसल है वो बिल्कुल ओपन है और वो आसमान की तरफ ही बिल्कुल देखता रहता है कि मौसम में ऐसी तब्दीलियां ना आए जो उसकी फसल के लिए नुकसानदेह हो। तो यकीनन आप जो लिखते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप काम कर रहे हैं, आपके बाकी दोस्त भी काम कर रहे हैं, तो यकीनन गवर्नमेंट इस बारे में भी जरूर जो है वो सोच रही होगी। अच्छा भंडारा साहब, आपसे मैंने एक बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन ये करना था कि पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार जो है वो कम है कंपेरेटिवली, वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें फी एकड़ पैदावार बहुत ज्यादा है, तो इसकी अगर आप मुख्तसर सी बताएं कि इसकी क्या वजूहात है, पाकिस्तान में क्यों कम है फिर फी एकड़ इसमें पैदावार? अच्छा, मैं इसको आंसर को बहुत शॉर्ट रखूंगा क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो जरा वीक हो गई है, कहीं बंद ना हो जी जाए। जी
ताकि हम अपनी डिस्कशन जो है वो समझ सके। जी अच्छा, इसमें हमारी जी तीन चार चीजें हैं जो 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 इसमें जो इफेक्ट करती है हमारी यील्ड को। सबसे पहली तो चीज है कि हमारे पास क्या उस लेवल की क्वालिटी सीड्स हैं जो हाई यील्डिंग है, वो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है हमारी जो पानी है, हम सिर्फ अपने आप को ना देखें, मतलब हम पाक पतन को देखते हैं, हमें शायद पानी बहुत ज्यादा मिल जाता है, लेकिन अगर आप सिंध में और बलूचिस्तान में उस जगह को देखें तो वहां पे पानी की शदीद कमी है। अब मेरा देखने का यहाँ पे एक सोशल सोशल फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि मेरा देखने का और आपके देखने का एंगल बहुत मुख्तलिफ है पानी को, क्योंकि हमें पानी फ्री मिल रहा है, हमने सिर्फ मोटर पंप चलाना है, हमें मिल रहा है, ठीक है। हम उससे जी कपड़े धोएं, गाड़ी धोएं, जो मर्जी करें, दैट्स फ्री फॉर अस। एक गुड क्वालिटी अच्छा पीने वाला पानी हम उसको इस तरह इस्तेमाल करें। क्या अब अगर कोहिस्तान के एरिया में चले जाएं, औरतों का बड़ा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। 80% एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो विमेन करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम विमेन को एग्रीकल्चर, हमारी रूरल फार्म लेबर को उस तरह से वो राइट्स नहीं देते जितने वो डिजर्व करती हैं, क्योंकि वो आपकी आपकी सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हर मामले में वो मोर देन मेन इन्वॉल्व होती है। आदमी उतना काम नहीं कर रहा होता जितना एक आपकी देहाती औरत काम कर रही होती है। अब वो आपके भी इलाके में आपने देखा होगा कि जहाँ पे पानी की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो बेचारी कितनी कितनी दूर से घड़ों में पानी भर के ला रही है। कोहिस्तान में, बलोचिस्तान में जो रिमोट एरियाज हैं हमारे, इवन साउथ पंजाब के रिमोट एरियाज में, वहाँ पे घड़ों में मीलों सफर करके वो अपनी सेहत को कंप्रोमाइज करती हैं। वो समटाइम्स बच्चों की पैदाइश है उनके रास्ते में हो जाती है, और समटाइम्स वो बच्चे जिंदा रहते हैं, समटाइम्स नहीं रहते, लेकिन वो पानी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पानी की इस्तेमाल करने की एग्रीकल्चर में, उसके लिहाज में हमारी यील्ड बहुत कम है। उसमें हमारी मैकेनाइजेशन का भी रोल है, हमारे पास जो है वो उतने हॉर्स पावर्स मशीनरी मौजूद नहीं है, हमारे पास जो मैकेनिक्स जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो उस लेवल पे मौजूद नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे पास वो टेक्निक्स, वो टूल्स, वो हाई यील्डिंग वराइटीज वो अवेलेबल नहीं। दीज आर द जी मेजर जी कॉजेज जिसकी वजह से हमारी यील्ड। भंडारा साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है, मतलब हमारा डिस्कशन भी लंबी हो रही है और बैटरी का भी इश्यू है, तो आखिरी हाँ क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल हमारी बिल्कुल जो यूथ है उस पर भी आप काम करते हैं, कि हमारी यूथ में जो पाकिस्तानी यूथ है या हमारे एरिया की जो यूथ, उसमें कितना पोटेंशियल है, उसको हम मोबालाइज कैसे कर सकते हैं यूथ को, और वो यूथ किस तरह से ज़राअत में और दीगर शोबों में अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा बड़ा अहम सवाल है और मेरे दिल के बड़ा करीब है। सबसे पहले तो मैं आपके तसव से ना, मैं आपके ऑडियंस को या जो यूथ मुझे सुन रही है वो, उसको ये जरूर कहूंगा कि वो एक गूगल करें कि पाकिस्तान नीड मोर यंग फार्मर्स, तो उम्मीद है वो मेरा ही आर्टिकल सबसे पहले निकलेगा। वो मैंने लिखा था 2015 में एक आर्टिकल, पाकिस्तान नीड मोर यंग फार्मर्स, तो मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा, वो आप शेयर भी कर सकते हैं। उसमें जी बहुत सी शेयर डिटेल्स करें। उनको एग्रीकल्चर के हवाले से मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान इस मामले में बड़ा ब्लेस्ड है कि हमारी 2/3 जो पॉपुलेशन है वो अंडर 35 या अंडर 35 ऑलमोस्ट इतनी पॉपुलेशन है। तो दिस इज द मोस्ट एनर्जेटिक पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। आप मैं ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ, मैं अमेरिका में, मेरी जिन लोगों से बात हुई है, नौजवान कहीं भी ज़राअत में आने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वहां पे जो मशीनरी और जो फैसिलिटीज और जो इजीनेस अवेलेबल है वो हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है। हमारे तो आपको पता है कि वो अच्छे भले रंग होते हैं, मेरी तरह फिर काले हो जाते हैं बाहर खेतों में काम कर करके। तो एसी एसी भी छोड़ना पड़ता है आपको, और अपनी लग्जरी भी छोड़नी पड़ती है, तो आपको दिन रात जो है वो काम करना पड़ता है। बाहर जो डेवलप्ड मुल्क हैं उनमें सिचुएशन ऐसी नहीं है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रैक्टर्स भी मिल जाते हैं, आपको मैकेनाइजेशन जो है वो मिल जाती है, आपके ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स इवन काम कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल देयर यूथ आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, वो एग्रीकल्चर में नहीं आना चाहते। अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे कि हम अपनी, एक बात इस पेंडेमिक ने हमें सिखा दी है कि दुनिया, मैंने आपको जिस तरह स्टार्ट में बात की कि सब चीज के बगैर चल सकती है, खुराक के बगैर नहीं चल सकती। और खुराक आपकी लेबोरेटरीज में पैदा नहीं होती, खुराक आपकी खेतों में पैदा होनी है, और करना किसानों नहीं है। अब मुझे बताएं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, या मेरी जनरेशन में मैं बहुत कम लोग जो हैं वो फार्मिंग में आए, मैक्सिमम जो लोग हैं, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में मेरा अक्सर जाना होता है, तो जो ग्रेजुएट या जो मास्टर्स कर रहे होते हैं, मेरा उनसे सवाल होता है कि यार आप प्लांट पैथोलॉजी या एग्रोनॉमी पढ़ के क्या करेंगे। तो
तो वो प्रेफर करते हैं कि यार आई विल गो फॉर अ जॉब, आई विल गो फॉर अ जॉब, मतलब मैं किसी पेस्टिसाइड कंपनी में जॉब करूंगा, मैं सीड कंपनी में जॉब करूंगा, या मैं अपना बिजनेस करूंगा। वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो ज़राअत में जाना चाहते हैं, और उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके जेन्युइन रीजंस हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर किसी के पास ज़मीन नहीं है। मेरे पास मेरे वालदैन की, मेरे जो है नस्ल की ज़मीन थी, मैं फार्मर बन गया। लेकिन जो एक नया बंदा एक एक फार्मिंग करना भी चाहता है, तो वो उस तरह फार्मिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है, ना हमारे इदारे सपोर्ट उस तरह से कर रहे होते हैं नौजवानों को, क्योंकि हमारे वसाइल नहीं, हमारे वसाइल कम हैं, हमने तवज्जो नहीं दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। नौजवान जो है वो अब देखें, आप और मैं जो है, हम उम्र के हम भी नौजवान हैं, लेकिन हम पे 10 साल बाद हम में वो एनर्जी नहीं रहेगी जो हम में आज है। बिल्कुल 20 साल बाद शायद हम स्टिक्स हाथ में पकड़ के चल रहे होंगे, तो हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते, बट वी कैन गाइड आवर यूथ। हम अपनी यूथ को गाइड कर सकते हैं कि हाउ दे कैन परफॉर्म वेरी वेल। इसमें हमारी स्टेट का बड़ा रोल यहाँ पे आ सकता है, कि स्टेट को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करने की। आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू लीगल चैनल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूरोप में फार्मर्स जो है वो अब ओल्ड होता जा रहा है, एवरेज फार्मर जो है वो बहुत अपनी शायद उम्र के 60 या 60वें या 70 70वें जो है दिहाई में होगा, तो नई जनरेशन जो है वो दे आर रिलक्टेंट टू ज्वाइन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं, हम क्यों ना अपने जो नौजवान हैं उनकी तरबियत जरिए इस तरह की कर दें कि हम उनको थ्रू लीगल चैनल, जो हमारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं और हमारी एम्बेसीज के लोग हैं, हम उनसे डिमांड लेके उनको एक्सपोर्ट करें वहाँ पे। यार अच्छा ठीक है, 10 बंदों की लॉट एग्रीकल्चर की यहाँ पे एक्सपर्ट बैठी हुई है, अमेरिका में ढूंढो अपॉर्चुनिटीज हैं, ओके जी उठाओ इनको वीजा दो, गो आउट वर्क देयर, और हाँ अपने रेमिटेंसेस पाकिस्तान को भेजो, जर मुबादला पाकिस्तान को भेजो। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है कमिटमेंट की, जरूरत है विल की, और ये विल स्टेट की जानब से पहले नहीं आती, ये विल आती है आपकी जानब से। ये अगर मेरे नौजवान मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको ये बता दूं, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दे दी है कि एक जहाज 600 700 किलोमीटर की स्पीड में ऊपर उड़ सकता है, -डिग्री टेम्परेचर्स में आप जिंदा रह सकते हैं। आपने चांद को तस्खीर कर लिया, वो आप हम जैसे इंसान ही है, वो कोई उनके अंदर कोई कंप्यूटर नहीं फिट हुआ हुआ। आप जैसे लोग, सिर्फ मेहनत की जरूरत है, सिर्फ थोड़ी सी कमिटमेंट की जरूरत है, थोड़ी सी विल की जरूरत है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लर्निंग की जरूरत है। हम अनफॉर्चुनेटली हम कोशिश नहीं कर पाते, और जी एक नईम साहब आप पे और हम पे भी एक एक बड़ा एक एक ये पोज होती है, ये जिम्मेदारी। हम अनफॉर्चुनेटली अपने नौजवानों को जी सवाल करने का हक, सवाल करने का हक उस तरह से नहीं देते जिस तरह उनको चाहिए। हाँ बिल्कुल हम जी उनको बिल्कुल पूछने, देखें वो मुआशरे बहुत तरक्की करते हैं जो सवाल पूछने का हक देते हैं। हम अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है, मुझे उसका जवाब मालूम नहीं है, तो आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट कि यार मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें अपने किसी दोस्त के साथ लिंक करता हूँ, हो सकता है नईम साहब आपको बेहतर बता दे, नईम साहब से कांटेक्ट हो जाओ। लेकिन सवाल पूछने की और रिसर्च करने की आदत आपको देनी पड़ेगी अपने नौजवानों को, अदरवाइज हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है, हम ही ने बहुत से बड़े नाम पैदा किए हैं हर मामले में, और हम ही जो है वो हम ही में से आगे निकल के इंशाल्लाह ताला रूल करेंगे लोगों को। सिर्फ थोड़ी सी कमिटमेंट जी और थोड़ी सी विल की जरूरत है। जी आमिर हयात भंडारा साहब, आपके आपके साथ जो हमारा जो सेशन है, अभी बातें बहुत सारी हैं वैसे, लेकिन हमारा जो सेशन है ये थोड़ा लंबा हो गया है, तो आपकी माशाल्लाह बातें जो है बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, बड़ी मोटिवेशनल थी, यकीनन हमारे सुनने वालों को बहुत पसंद आएंगी। एक दफा फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया है, और यकीनन आपकी ये बातें जो है जो लोग भी सुनेंगे उनके लिए यकीनन ये मुफीद होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच नईम साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू एंड कीप डूइंग दिस गुड वर्क। अच्छे अच्छे लोगों को जो है वो लेते रहे ऑनलाइन, और उनको जरूर अपने नौजवानों को, ये बहुत बड़ी आप सआदत हासिल कर रहे हैं, खासकर ये पैंडेमिक जी के जी मौसम में, कि आप लोगों जी को जो जी है बिल्कुल वो अपने नौजवानों को एक नई नई तर्ज से, अब देखिए पैंडेमिक ने हमें ये भी तो सिखा दिया ना, सॉरी आपको आपके टाइम ले रहा हूँ, एक दो एक मतलब 10 15 सेकेंड कोई में मैं इस मसला बात को खत्म करूंगा, कि जी जी हमें हमें पैंडेमिक ने ये सिखा दिया कि हम घर बैठ के भी काम कर सकते हैं।
बिल्कुल अगर ऐसा। मैं कोई ब्रांडेड सूट नहीं पहनूंगा, मैं ये मलमल का कुर्ता या आप टी शर्ट पहन के बैठ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अगर बिल्कुल न्यू न्यू ब्रांड्स के जूते नहीं पहनेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर विल टू सर्वाइव एंड योर विल टू हेल्प अदर टू सर्वाइव, कि उन्होंने आपने किस तरह जिंदा रहना है और आपने लोगों की किस तरह हेल्प करनी है जिंदा रहने में। ये बड़ी जी इंपॉर्टेंट बात है। जी बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने इन दी एंड कि यकीनन जो चीज अहम है वो आपका काम है और आपकी विल है। अमर यार भंडारा साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, गुड लक।